इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस। तो मैंने आपको बताया था कि स्क्रिप्ट जो होते हैं वो प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं क्लाइंट साइड पे या फिर सर्वर पर। जैसे आपका कंप्यूटर है, आप अगर आपके कंप्यूटर पे आप क्या हो, क्लाइंट हो, जो कि मल्टीपल सर्वर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो अगर कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड आपके कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, क्लाइंट के कंप्यूटर पे एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। और अगर सर्वर साइड पे वो सर्वर के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। तो जो स्क्रिप्ट लैंग्वेज होती है, जो स्क्रिप्ट प्रोग्राम होता है, इट कैन आइदर एग्जीक्यूट ऑन क्लाइंट साइड और सर्वर। तो क्लाइंट साइड पे अगर वो एग्जीक्यूट होता है तो उसे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बोलते हैं, और अगर वो सर्वर साइड पे एग्जीक्यूट होता है तो उसे बोलते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। दोनों के लिए ही अलग अलग लैंग्वेजेस हैं जिनके थ्रू कोड लिखा जाता है, स्क्रिप्ट लिखी जाती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, एग्जीक्यूटेड बाय अ यूजर्स ब्राउजर और क्लाइंट, अ वेब ब्राउजर इंटरप्रेट्स द कोड। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है कि जो यूजर का वेब ब्राउजर है, यानी कि जो क्लाइंट का वेब ब्राउजर है, वो इस स्क्रिप्ट को इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है। और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में क्या होता है, एग्जीक्यूटेड बाय द वेब सर्वर ओनली व्हेन ए यूजर रिक्वेस्ट ए डॉक्यूमेंट। सर्वर उसको कब एग्जीक्यूट करता है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को, जब यूजर उसके लिए रिक्वेस्ट करता है। जब यूजर रिक्वेस्ट करता है किसी डॉक्यूमेंट के लिए, तभी वेब सर्वर जो है उस कोड को एग्जीक्यूट करता है। व्हेन यूजर रिक्वेस्ट ए वेब पेज फ्रॉम सर्वर दैट कंटेन्स क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, देन अगर यूजर रिक्वेस्ट करता है वेब सर्वर को कि उसे एक ऐसा वेब पेज चाहिए जिसके अंदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, ठीक है, यानी एक स्टैटिक पेज नहीं, एक डायनामिक पेज है। यूज़र ने कुछ रिक्वेस्ट की हुई है, रिक्वेस्ट करने पे जो वेब पेज उसे मिलना है उसके अंदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है। तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सोर्स कोड इज सेंड टू द क्लाइंट। सर्वर क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की वेब पेज की, उस वेब पेज की जिसके अंदर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है, जैसे जावास्क्रिप्ट का लिखा हुआ है, करेगा रिस्पॉन्स में उसको वो वेब पेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो वो जो वेब पेज है, यानी कि जो सोर्स कोड है जो उसे क्लाइंट को चाहिए था, वो क्लाइंट को सेंड कर देगा सर्वर। दिस इज प्रोसेसिंग इज डन एट द क्लाइंट साइड। तो क्लाइंट साइड पे इसकी प्रोसेसिंग होगी, ब्राउजर उसको इंटरप्रेट करेगा फिर इंटरप्रेटर की हेल्प से, और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ब्राउजर रन्स द सोर्स कोड, और फाइनली ब्राउजर क्या करेगा, उस सोर्स कोड को रन कर देता है और वो वेब पेज हमें हमारी स्क्रीन पे शो हो जाता है। और अगर वो एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का कोड है, तो उस केस में क्या होता है, व्हेन यूजर रिक्वेस्ट ए वेब पेज दैट कंटेन सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, देन अगर यूजर ने रिक्वेस्ट किया किसी वेब पेज की जिसके अंदर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में कोड लिखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, स्क्रिप्ट इज इंटरप्रेटेड बाय द वेब सर्वर। तो जो उस वेब पेज के अंदर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लिखी हुई है, उसको सर्वर जो है, वेब सर्वर जो है, इंटरप्रेट करता है, पता करता है कि उसमें क्या करना है, फिर वेब सर्वर जनरेट्स डायनामिक HTML पेज करस्पॉन्डिंग टू स्क्रिप्ट। और उसके बाद वेब सर्वर क्या करता है, एक HTML पेज जनरेट करता है, ठीक है, जो कि क्या होता है, डायनामिक होता है। डायनामिक क्यों, क्योंकि यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको जनरेट किया गया है। जो वेब पेज क्रिएट हुआ है आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ सर्वर साइड स्क्रिप्ट, तो उस वेब पेज को वो क्लाइंट को सेंड कर देता है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, दी वेब ब्राउजर यूजेस इट्स ओन रिसोर्सेज एंड रिड्यूसेस द बर्डन ऑन द सर्वर। तो अगर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू आपने वेब पेज को डिज़ाइन किया है, तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि वेब ब्राउजर की रिसोर्सेज को यूज़ करके ही एग्जीक्यूशन हो जाता है वेब पेज का। तो उससे क्या होगा, सर्वर का बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि सर्वर को बहुत सारे क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई करना होता है। तो अगर सारा लोड हम सर्वर के ऊपर रखेंगे तो सर्वर तो डाउन हो जाएगा। तो उस लोड, सर्वर के लोड को कम करने के लिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, जिससे वेब ब्राउजर जो है उस कोड को अपने रिसोर्सेज यूज़ करके एग्जीक्यूट कर सके। There is burden on server to execute a script. यहाँ पर सर्वर के ऊपर लोड होता है कि उसे उस स्क्रिप्ट को, अगर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज़ की गई है वेब पेज में, तो उसको सर्वर को ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। It saves network bandwidth. तो उससे क्या होगा, ये जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से क्या होता है, नेटवर्क bandwidth सेव हो जाती है। क्यों सेव हो जाती है, क्योंकि वेब ब्राउजर ने रिक्वेस्ट की वेब पेज की सर्वर से, वो वेब पेज इसके पास आ गया, वो एग्जीक्यूट कर रहा है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज़ की गई होती, तो क्या होता, वेब सर्वर ने रिक्वेस्ट किया उस वेब पेज का सर्वर को, जिसके अंदर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है,
तो सर्वर यहाँ एग्जीक्यूट करता, फिर जो रिस्पांस में वेब पे जाता वो देता, ठीक है। तो यहाँ पर नेटवर्क की बैंडविड्थ ज़्यादा यूज़ हो, क्लाइंट है वो सर्वर पे डिपेंडेंट होगा। द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नीड्स टू बी इनेबल्ड ऑन द क्लाइंट कंप्यूटर। अगर आप चाहते हो कि जावास्क्रिप्ट या क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम क्लाइंट के ब्राउज़र पे रन हो पाए, तो उस केस में यूज़र को क्लाइंट कंप्यूटर पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को इनेबल करना पड़ेगा। अगर वो चाहे तो उसको स्विच ऑफ भी कर सकता है। तो यूज़र कैन स्विच ऑफ स्क्रिप्टिंग फैसिलिटी फॉर सिक्योरिटी पर्पस। वो चाहता है कि कोई भी ऐसा कोड नहीं हो जो मेरे कंप्यूटर पे आके एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में सिक्योरिटी पर्पस के लिए उसको स्विच ऑफ भी कर सकता है। जबकि सर्वर साइड पे क्या होता है, ये ऑलवेज इनेबल्ड रहती है हमेशा। सर्वर अगर कोई ऐसा वेब पेज है जिस पे वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का कोड लिखा हुआ है वेब पेज के अंदर, तो उसे सर्वर को एग्जीक्यूट ही करना पड़ता है, तो उसको हमेशा ऑन ही रखना पड़ता है, इनेबल रखना पड़ता है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग कैन नॉट बी ब्लॉक्ड बाय यूज़र, और यूज़र उस सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग को ब्लॉक नहीं कर सकता है, डिसेबल नहीं कर सकता है, वो हमेशा इनेबल ही रहेगा। इट इज़ मेनली यूज फॉर क्लाइंट साइड वैलिडेशन विच रिड्यूसेज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट दैट नीड टू बी पास्ड टू दी सर्वर। तो ये मेनली जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का यूज़ किया जाता है वो वैलिडेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिससे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सर्वर को हमें कम पास करने पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या होता है, कुछ फील्ड्स में आपको लिखा रहता है कि इसमें कैरेक्टर्स ही यूज़ करने हैं, फिर उसके बाद डिजिट्स लिखनी है, या मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का ही आपको लिखना है। तो अगर आप मिस्टेक करते हो तो वो वैलिडेशन कौन चेक करेगा? यहाँ आपको लिखा रहता है कि स्टार लगाइए, मैंडेटरी फील्ड है, आपको इसमें एंट्री करनी ही है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको एक एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। तो ये सब कौन करता है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अगर ये फैसिलिटी नहीं होती, तो अगर आपने कोई मिस्टेक की है तो ये मिस्टेक पहले सर्वर के पास जाती है नेटवर्क बैंडविड्थ यूज़ करके, फिर यहाँ पर ये एग्जीक्यूट होता, फिर पता चलता है कि आपने सही लिखा है कि गलत लिखा है। तो उस केस में क्या होता, सर्वर के ऊपर लोड भी बढ़ जाता और नंबर ऑफ रिक्वेस्ट, हर फील्ड के लिए रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती ब्राउज़र को, तो उससे नंबर ऑफ रिक्वेस्ट भी हमें ज़्यादा भेजनी पड़ती सर्वर को, और सर्वर के ऊपर भी लोड बढ़ जाता, तो वो यहाँ पर कम हो जाता है। तो जितनी भी वैलिडेशंस होते हैं किसी फॉर्म की या किसी फील्ड्स की, तो वैलिडेशंस जो हैं प्रेफर की जाती है कि क्लाइंट साइड पे ही एग्जीक्यूट हों, चेक हों, और उसके बाद जो भी रिजल्ट फॉर्म जो करेक्ट डेटा है फॉर्म का, वो सिर्फ सर्वर को प्रोवाइड किया जाए। इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू प्रोवाइड इंटरैक्टिव वेबसाइट्स दैट इंटरफेस टू डेटाबेस और अदर डेटा स्टोर्स ऑन द सर्वर। तो मेनली सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का क्यों यूज़ किया जाता है? इंटरैक्टिव वेबसाइट्स प्रोवाइड करने का। इंटरैक्टिव मतलब यूज़र अगर कोई डेटा सर्वर से चाहता है तो उसे डेटा वो जो है सर्वर से मिल जाए। कोई भी ऐसा डेटा जो सर्वर साइड पे स्टोर है, सर्वर के डेटाबेस पे स्टोर है, उसको एक्सेस करने के लिए हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हैं। तो जो भी रिक्वायरमेंट, जो भी क्वेरी यूज़र करता है, उस क्वेरी से जो डेटा उस यूज़र को प्रोवाइड करना है, अगर वो सर्वर साइड पे अवेलेबल है, सर्वर के डेटाबेस पे स्टोर है, तब हम सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हैं। यूज्ड फॉर वैलिडेशन ऑफ डेटा एट द क्लाइंट साइड, इट प्रोवाइड्स क्विक रिस्पॉन्स टू द यूज़र्स। तो यहाँ पर मेनली हम इसको यूज़ करते हैं वैलिडेशन पर्पस के लिए, यूज़ की जाती है वैलिडेशन ऑफ डेटा एट द क्लाइंट साइड। क्लाइंट साइड पे जब भी वैलिडेशन करना होता है हमें, तो हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का यूज़ करते हैं, और ये जो है क्विक रिस्पॉन्स प्रोवाइड करती है यूज़र को। इट इज़ यूज टू क्रिएट डायनामिक वेब पेजेस। तो डायनामिक वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का यूज़ किया जाता है। लिमिटेशंस क्या है क्लाइंट साइड की? ब्राउज़र डिपेंडेंसी, कि ब्राउज़र में अगर वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इनेबल है तो ही वो एग्जीक्यूट हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। व्यूएबल टू यूजर्स इस थ्रू व्यू सोर्स कमांड, आप उसके सोर्स कोड को देख सकते हो व्यू सोर्स कमांड यूज़ करके। जबकि यहाँ पर जो होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो होती है वो सर्वर पे डिपेंडेंट होती हैं, इंटरनेट स्पीड पे डिपेंड करती है और नेटवर्क पे डिपेंड करती हैं। एग्जाम्पल्स कौन से? क्लाइंट साइड के जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के कौन से? PHP, ASP, JSP, पर्ल, ये सारे क्या हैं? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज हैं।